और आरजेडी लगातार यहाँ से 7-8 बार यहाँ एमएलए आरजेडी के रहे हैं। आरजेडी से ज़्यादा किसी का पकड़ नहीं है। पूरी ताकत एनडीए लगा ले और पूरा जनस्वराज पूरी अपनी ताकत लगा ले, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के लोग, समाजवाद के मानने वाले, लालू जी के मानने वाले और ये विचारधारा के मानने वाले लोग की तादाद ज़्यादा है। किसी भी हालत में यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल की कामयाबी होना सुनिश्चित है। लेकिन जनसुराज तो खेल बिगाड़ती नज़र में आ रही है ना। देखिए, आज जनसुराज अमजद साहब को टिकट दी है। कल तो उनको सत्तारूढ़ पार्टी ने टिकट दिया था। तो क्या कर लिए वो? ये तो सत्ता में भी नहीं है, इसका ये तो पहली बार ट्राई है। अभी तो ये दूध पीना शुरू किए हैं, अभी कल इनकी पैदाइश हुई है, आज वो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं। उस कैंडिडेट को तो लोग आजमा चुका है 2 बार और तीसरी बार, और उसके पीठ पर एक बहुत बड़ी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, जब वो कामयाब नहीं हो सके और लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके, मतलब मुस्लिम हिंदू से ऊपर उठ करके कि हाँ ये हमारे कौम का आदमी है इसलिए इनको वोट देना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों की सोच नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच ये है कि जो संविधान पे चलती है जो पार्टी, जो सेकुलर और समाजवाद पे चलती है पार्टी, उसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार में दुनिया को मालूम है, देश को मालूम है कि इससे बड़ी विचारधारा समाजवाद की कोई पार्टी नहीं है। और मुस्लिम हमेशा इस कॉज को देखते हैं, जैसे अभी 2 कानून का मामला है, एक वफ कानून के खिलाफ एक बिल लाया हुआ है सत्तारूढ़ दल एनडीए, जिसमें ललन सिंह ने जाकर के एनडीए के तरफ से समर्थन कर दिया, लेकिन लालू यादव ने और इन्होंने क्या कहते हैं तेजस्वी यादव ने भरपूर उसका मुखालफत किया कि नहीं बिल्कुल ये किसी का हक मारा जाएगा, किसी ने अपने बाप दादा ने किसी के अगर गरीबों के उत्थान के लिए कोई भी चीज़ वक्फ किया है तो उस पर कोई भी कानून लगा के उसको छीना नहीं जाए। फिर एनआरसी और सीए, इस मामले में भी हमारे पार्टी और हमारे लीडर का सीधा सवाल है कि जो हमारे यहाँ कानून पहले से है उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक हैं और इन्हीं पर, इन्हीं बातों के लिए वो मतलब के समर्थन वो पाते हैं हम लोगों से खास तौर से। लेकिन अभी फिलहाल में देखा जा रहा है बेलागंज में, खास करके कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा कि मुस्लिम भाई जो है जनसुराज के साथ में है। मुस्लिम भाई जनसुराज के साथ हैं, हम लोग तो पूरा इलाके का अभी बताए ना, 25 गाँव का नाम गिना दिए राही साहब, वो जनाब गिना दिए आपको, हम लोग हर जगह से दौड़ा करके आ रहे हैं। सभी होशमंद हैं, सभी जानते हैं कि दो ही ताकत है यहाँ, एक है सांप्रदायिक पार्टी वो है एनडीए वाले लोग, और एक है सेकुलर पार्टी जो इंडिया वाले लोग हैं। मुसलमान इंडिया के कैंडिडेट को वोट देंगे, वो इंडिया से चाहे विश्वनाथ जी खड़े हों या कोई भी खड़े होते तो इंडिया गठबंधन को, मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देता है। उसी तरह से इस क्षेत्र में भी, बेला के क्षेत्र में भी मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं, और कोई स्वराज जन स्वराज वगैरह, अरे उन्होंने तो कहिए स्टाफ बना रखा है कुछ जिसको मंथली देते हैं, वो उनका गीत गाता है, लेकिन मंथली हाँ वो बिल्कुल पे करते हैं, वो जितने भी जिसको वो स्टाफ है, कार्यकर्ता भी नहीं कहिएगा ना उसको, हाँ। आप उसको कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते हैं, वो उन्होंने स्टाफ बना रखा है, उसको मंथली सैलरी देते हैं। कौन स्टाफ बना रखा है? जन स्वराज के जो क्या कहते हैं सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जो काम करने के लिए भेजा है लोग को, हाँ। दिमाग खराब करने के लिए भेजा है, वो सारे लोग को सैलरी देते हैं, वो कोई कार्यकर्ता है तो कितना देते हैं, किसी को 20 देते हैं, किसी को 30 देते हैं महीना महीना का, और वो लोग जा करके काम कर रहा है, बिल्कुल वो तो रोजगार है उन लोगों का, अपना कर रहा है, बोल रहा है, उसका काम है, इसलिए कि वो लेता है तनख्वाह, कार्यकर्ता कोई नहीं है उसमें, सब स्टाफ हैं। अच्छा, ठीक है। और बी टीम सही मानों में है, अगर बी टीम नहीं होती तो एमपी के इलेक्शन में जब साफ पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का मीडिया बता रहा था कि इंडिया गठबंधन की भारी जीत होने जा रही है, तो इनके पेट में दर्द हुआ और ये आखिरी चरण जो 2 बाकी था
तो ये मैदान में उतर गया, कहे कि हम तो पूरा दक्षिण बिहार का और पूरा पूरब बिहार ए दक्षिण इंडिया का पूरे का कहते हैं पूरब का पश्चिम का जायजा ले लिया। बीजेपी को यानी एनडीए को 420 सीट आने जा रहा है और बीजेपी को 300 से ऊपर आने जा रहा है। इन्होंने बायाप्ते बीजेपी का प्रचार किया, अभी कितना दिन हुआ है उन्होंने प्रचार किया उसका, जिसके वजह से कुछ वोट उनके प्रचार करने से कन्वर्ट हुआ, जो इंडिया गठबंधन सत्ता पाने से थोड़ा पीछे रह गई, नहीं तो इंडिया गठबंधन का सत्ता बनने जा रहा था। उसको रोकने वाला है ये, कौन नहीं जानता, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान जानता है, खाली बेला का मुसलमान नहीं जानता है। आप उनको जो है जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो है वो जो है आपके समाज के लोगों को नेता बनाने पे तुले हुए हैं। हाँ, पहले वो अपने समाज के आदमी से वोट दिलवा दें, जिस समाज से उगाते हैं ना, कहिए कि वो अपने समाज से पहले वोट करवा दें। ब्राह्मण भूमिहार ये लोग जो हैं वो पहले उनको वोट कर दें। क्यों नहीं जाते वहाँ मेहनत करने के लिए, क्यों नहीं उनके साथ वो घूम रहा है, काहे आपका कहते हैं आपके साथ बस वही लोग हैं जिसको आप सैलरी देते हैं, कहाँ आम जनता आपके साथ घूम रही है। आप चिकनी चपरी बोल रहे हैं, सबको मालूम है कि आप बी टीम है बीजेपी के। सैलरी की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, ऐसा प्रूफ लिखित में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बोलता है लोग जो काम करता है वो बोलता है कि हम फ्री में काम नहीं करते हैं। अब जो काम कर रहा है वो बोलता है कि हम फ्री में काम नहीं करते हैं, भैया हमको मिलता है, तनख्वाह मिलता है, हम काम करते हैं। चलिए।